श्री मुक्तसर साहब की अनाज मंडी विच नरमे का घट पा देण करके खरीद संबंधी किसानां ते व्यापारियों विच चल रहा रेड़का अज तीजे दिन भी जारी रहा। किसानां दी चौकसी कारण व्यापारियों वालों बाहर तो सीधा माल खरीद के बगैर मार्केट कमेटी के ध्यान विच लैंदे पंज ट्रालियां फैक्टरी विच ले जाण समें किसानां ने फड़ियां अते तुरंत मार्केट कमेटी नूं सूचित करके अधिकारियों नूं उत्थे बुलाया, जिस मगरों जिला मंडी अफसर अते मार्केट कमेटी के सकत्तर वालों किसानां नूं विश्वास दवाया कि अजिहा वर्तारा नहीं चलण दित्ता जाएगा। इस संबंधी मार्केट कमेटी वालों फैक्टरी मालकां नूं नोटिस जारी किया गया अते बाहरों आए माल की जानकारी मंगी है। जेकर उन्होंने मार्केट कमेटी नूं इसकी जानकारी ना दी तो इन्हां फर्मां का लाइसेंस कैंसल करन तो भी गुरेज नहीं किया जाएगा। जिला मंडी अफसर गौरव गर्ग ने अजीत नाल गलबात करदिआं कहा कि किसान यूनियन वालों साढ़े ध्यान विच यह मामला लिया गया है कि मुक्तसर कॉटन फैक्टरी नाम की फर्म से सीधा नरमे दीआं ट्रालियां आईआं हन, जिस संबंधी मार्केट कमेटी के सकत्तर वालों फर्म नूं नोटिस जारी किया गया तो इस संबंधी पड़ताल करके बनती कार्रवाई की जाएगी। मार्केट कमेटी के सकत्तर बलकार सिंह ने गलबात करदिआं कहा कि फर्म नूं नोटिस भेज दिता है तो उन्होंने खिलाफ पड़ताल करके सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जी, अज किसान जथेबंदियों वालों जिहड़ा हैगा एक कंप्लेंट की गई कि मुक्तसर कॉटन फैक्टरी के जिहड़ा कोई पंज ट्रालियां नरमे दियां बिना बोली उत्थे अनलोड हो रही ने, क्योंकि जिहड़ा मेन मंडी के रेट नूं लैके जिहड़ा हैगा स्ट्राइक चल रही हैगी आ, मेन मंडी च कोई बोली नहीं लगेगी तो उस कॉटन फैक्टरी के पंज ट्रालियां अनलोड हो रही सी, उहदी मैं अपने मुलाजम भेज के पड़ताल भी कराई आ, रिटर्न रिपोर्ट भी करवाई हैगी आ, तो फर्म विरुद्ध असी जिहड़ी हैगी सख्त तो सख्त कार्रवाई जिहड़ी हैगी आ की जाएगी। मामला यह है जी, जिहड़ा अपना अज तो तीन दिनों तो लगातार जिहड़ी किसानां दी ठगी हो रही सी, वो ठगी लगातार ये करते आ रहे हैं फैक्ट्रिया वाले, उहदा की कारण होया आपां इत्थे उन्होंने कहता भी पूरे रेट च असी लैण देवांगे तुहानू ते नहीं असी तुहानू जे घट रेट च लवांगे असी घट रेट च तुहानू इत्थे फसल नहीं वेचांगे। उन्होंने दो नंबर च ठगी एक होर शुरू कर ली, उदू बाद उन्होंने आपदे लिया के सुबह सद्या बा ट्रालियां लियाउंदे आ, कोई दस लियाउंदे आ किसे 15, अज असी पूरियां पंज ट्रालियां उन्होंने फड़ चुके हैं जिहड़ियां दो नंबर दे विच आईआं, जिहदा कि मार्केट कमेटी दे विच भी कोई रिकॉर्ड नहीं गा उन्हां दा, वो फीस मार्केट कमेटी की भी मार रहे हैं और बिना बोली तो वह ट्रालियां लिया के दो नंबर दे विच माल बेच रहे हैं, वो फड़ के मार्केट कमेटी के मुलाजमान नूं असी सारा कुछ दिखा दिता इन्हां दा, इस करके यानी कि साढ़े नाल ठगी तां ही हो रही है, दो नंबर विच माल बेच रहे हैं, दो नंबर दे विच सारा काम कर रहे हैं, जिस करके कि किसान का जिहड़ा अगे भी 700-800 हज़ार रुपये का जिहड़ा कि ठगी किसान ना मार रही थी प्रति क्वंटल दे विच, ते अज भी वह मार रहे हैं दो नंबर दे विच माल लैके अज भी मार रहे, जेकर दो नंबर च इसे तरह इन्हां दा काम चली जाए तो साढ़े मार्केट च आके इन्हां नूं बोली ला के माल खरीदन की लोड़ है, मार्केट चा के माल नहीं खरीदणगे। असी बेनती करते हैं मार्केट कमेटी नूं, मुलाजमान नूं मिल के भी आए हैं, उन्होंने सानूं भरोसा भी दिता कि असी उस मुक्तसर काटन नाँ की फैक्टरी है उहदे ते कार्रवाई करांगे, जेकर ना कार्रवाई करांगे करनगे तां असी इहदे ते संघर्ष करांगे। ये बारे जी असी सारिया फैक्टरियां कन्न खोल के सुन लैन, एक दे नहीं असी सारिया फैक्टरियां दे उपर आपदी बाज वाली अख रखी हुई है, जिहड़ी फैक्टरी च होर भी आउंदी असी उह भी फड़ांगे, साडी आपदी सारा इसे करके तां असी पहरा लाया होया चार छपेरे भी जिथे भी दो नंबर च माल आउंदा असी फड़ांगे। इहदा जिहड़ा अज असी दफ्तर मंडी बोर्ड दे आए हैं, इहदा कारण है किसानां दी होल रही लुट ते फैक्टरियां दी जिहड़ी कुताही ते चोरी, वह अज असी मौके ते फैक्टरियां रंगे हत्थीं फड़ियां। मंडी दे विच साडा तीन दिनां तो रेड़का भाव नूं लैके चलदा है, जिहड़ा कि 700-800 रुपया क्वांटल मगर यह लुट किसानां दी करदे आ, जिहड़ा असी हुण तों इहनां नूं रोक लिया, मंडी दे विच असी बोली नहीं लगन दित्ती, हुण इहनां ने नवां काम शुरू करता जिहड़ा साडे पहले ही ध्यान दे विच सीगा, इहनां ने उचंती सीधा बगैर मार्केट फीस भरे तो सीधा फैक्ट्रियां च मंगा के ते माल तोलन लग गए, तो साड़ी तकरीबन तीन दिनों तो इस गल ते वॉच सी, फैक्ट्रियां साड़ी निगाह दे विच सीगियां भी इह कदों भी बाहरों माल लिया के शुरू कर लैणगियां तो फिर इन्हां ने मंडी च तां आउणा ही नहीं। वो जदों सानूं पता लग्गिया असीं मौके ते तकरीबन साड़ी सारे जथेबंदियां उत्थे पहुँच गईयां, मौके ते असीं पंज ट्रालियां बरामद कीतियां, मंडी बोर्ड दे मुलाजमां ने मौके ते जाके उन्हां दीआं वीडियो वगैरह बनाईआं, उस तो बाद असी हुण सैकटरी मंडी बोर्ड DM मंडी बोर्ड नूं असी मिले हैं, उन्होंने सानू बहुत वड्डा विश्वास दवाया
तो जिहड़ा उन्होंने लीगली नोटिस भी जारी किया भी दो दिन के आपकी सफाई पेश करो तो नहीं तुहाडी फैक्टरी का लाइसेंस है जिहड़ा वह कैंसल किया जाऊगा। तो असी इस गल ते बहुत ही आसबंद है कि जिवें मार्केट कमेटी ने साडा साथ दिता है तो अगे भी साडा साथ देवे तो असी किसानां नूं लुट होण तो बिल्कुल बचा सकांगे। किसानां दे वल्लों किसी फैक्टरी दे कोल ट्रालियां फड़ियां गईयां, मामला की है पूरा की तुहाडे तां साढ़े को जी अज ही यह मामला आया है। साढ़े को किसान यूनियन के प्रधान साहिबान भी बैठे ने सारे तो उन्होंने वालों आया है भी किसी मुक्तसर कॉटन फैक्टरी की जी नाम की एक फैक्टरी हैगी है उदे विच कुछ ट्रालिया चज डायरैक्ट नरमा गया है। असी उदी चैकिंग करवा रहे हैं, सैकटरी साहब वालों फर्म नूं नोट्स भी दिता गया है तो इंपलॉयज़ उत्ते जाके चैक भी करके आए हैं तो जो भी उदे खिलाफ़ बनती कार्रवाई होगी वो की जाऊगी। तो सर अज मामला की सी, किस संदर्भ धरना लाया तुसीं? इत्थे मामला यह है भी नरमे दे विच किसानां दी बहुत वड्डी लुट हो रही है। मलोड़ दा रेट देख लो उत्थे 7200 नूं नरमा विक रहा है, साडा इत्थे 6400-6500 दा रेट सी। कल जदों असीं आए इत्थे 6700-6800 रेट ने लाया, सानू देख के अजे भी 5400 बट्टा ला रहे हैं। तो मुक्तसर कॉटन फैक्टरी दे विच जिहड़ा बाहरों आया नरमा वो अज असीं फड़िया, वो नरमिया जिहड़ी फैक्टरी ने खरीदिया उन्हां नूं कमेटी सद्या, उत्थे साडे आगू जो फैसला होगा असीं दसांगे बाद नरमे लुट बारे लाया।